जुलाई में बॉक्स ऑफिस पर कमल हसन की इंडियन 2 से लेकर धनुष की रयान तक साउथ की कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई। इस बीच अब अगस्त में भी साउथ सिनेमा फिल्मों की झमाझम बारिश करने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा भरपूर एक्शन, इमोशन और रोमांस का तड़का। आइए जानते हैं कौन सी ये फिल्में। बोट 2 अगस्त 2024, ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में आ चुकी है, आप चाहो तो अभी जाकर देख सकते हो। ये सारी फिल्म एक ही बोट में शूट की गई। स्टोरी इसकी कुछ ऐसी है कि एक बोट में सफर कर रहे 10 लोगों की जिंदगी मौत का खेल खेल रही है। बोट बीच में अचानक से रुक जाती है और डूबने लगती है। इस बीच लोगों की सांसें और धड़कनें सेम स्पीड से चल रही होती है। लोग अपनी जान को बचाने के लिए बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं और इसी पर यह फिल्म आधारित है। फिल्म में योगी बाबू के साथ गौरी किशन नजर आएंगी और फिल्म को चिम्बू देवन ने डायरेक्ट किया है। मजहाई पीढ़ी कथा मनीथन 2 अगस्त 2024, योगी बाबू की फिल्म बोट के साथ विजय एंटनी और मेघा आकाश की फिल्म मजहाई पीढ़ी कथा मनीथन ने पर्दे पर एंट्री मारी है। आप इस फिल्म को सिनेमा में जाकर देख सकते हैं। फिल्म में आपको देखने को मिलेगी एक डिफरेंट लव स्टोरी, जो काफी मुश्किलों के चलते स्टार्ट होती है और काफी मुश्किलों से आगे बढ़ती है। लव स्टोरी तो तब शुरू होती है जब एक सीक्रेट एजेंट कर्ज में डूबती हुई एक औरत की मदद करता है। हम आपकी फिल्म का मजा खराब नहीं करना चाहते, इसलिए फिल्म की सारी कहानी जानने के लिए आपको ये सिनेमा में ही देखनी होगी। फिल्म को विजय मिल्टन ने डायरेक्ट किया है। जामा 2 अगस्त 2024, ये फिल्म तमिल ड्रामा पर बेस्ड है। फिल्म में आपको भरपूर फन और ड्रामा देखने को मिलेगा। ये बॉक्स ऑफिस पर आ भी चुकी है, आप सिनेमा में जाकर फिल्म को देख सकते हैं। जामा परी इलावाइगन की पहली डायरेक्शनल फिल्म है, इसमें वो एक्टिंग भी कर रहे हैं। साथ ही फिल्मों में अम्मू अभिरामी, चेतन और श्री कृष्ण दयाल समेत और भी कई एक्टर्स नजर आने वाले हैं। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बोट और मजहई पीढ़ी कथा मनीथन से टकरा गई है। अब देखना होगा कि तीनों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली है। अंधागन 15 अगस्त 2024, ये फिल्म आयुष्मान खुराना की बॉलीवुड फिल्म अंधाधुंध की तमिल रीमेक है। ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे त्यागराजन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की स्टोरी एक पियानो प्लेयर पर बेस्ड है जो देख नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो एक मर्डर केस का विक्टिम बन जाता है। 15 अगस्त से आप इसे सिनेमा में देख पाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि इसी दिन ही सबकी फेवरेट स्त्री 2 भी रिलीज हो रही है, तो जहां तक लगता है ये फिल्म स्त्री की तो बराबरी नहीं कर पाएगी। थंगल अमन 15 अगस्त 2024, साउथ के फेमस एक्टर विक्रम इस फिल्म में आपको नजर आने वाले हैं। विक्रम इसमें ऐसे लुक में नजर आने वाले हैं जिसमें उनको आपने अभी तक नहीं देखा होगा। एकदम यूनिक, ये फिल्म हॉर्टिकल्चर पर बेस्ड है जिसमें विक्रम के साथ मालविका मोहनन, पार्वती थिरुवोथु, डेनियल कैल्टागिरोन जैसे कई शानदार एक्टर नजर आएंगे। हालांकि फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जब जारी हुआ था तब से ही इसका बस बना हुआ है। मिस्टर बच्चन 15 अगस्त 2024, रवि तेजा स्टारर फिल्म विक्रम की फिल्म के साथ ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। ये एक फनी रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसमें आपको रवि तेजा के साथ भाग्यश्री बोर से नजर आने वाली है। फिल्म की कहानी इनकम टैक्स रेड पर बनी है जो कि रियल बेस्ड है और फिल्म को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। डबल स्मार्ट 15 अगस्त 2024, ये फिल्म साउथ सिनेमा की 2 जबरदस्त फिल्मों के साथ क्लैश करने वाली है। और इस फिल्म की सबसे मजेदार बात तो ये है कि फिल्म में आपको राम पोतिनेनी के साथ संजय दत्त नजर आने वाले हैं। 2019 में आई स्मार्ट शंकर का ये फिल्म सीक्वल है और फिल्म जबरदस्त एक्शन से भरपूर है। यानी कि जहां एक तरफ राम का थ्रिलर रूप देखने को मिलेगा, वहीं साथ में संजय दत्त भी फिल्म में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। भैया लगता है कि इस इंडिपेंडेंस डे बॉलीवुड के साथ साथ टॉलीवुड भी नहीं चाहता कि ऑडियंस के पास ऑप्शंस की कमी हो, क्योंकि एक साथ 2 नहीं बल्कि 3-3 फिल्में क्लैश करने वाली है। रघुनाथा 15 अगस्त 2024, फिल्म रघुनाथा एक फीमेल लीड मूवी है जिसमें कीर्ति सुरेश मेन लीड में नजर आने वाली हैं। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे अपनी लैंग्वेज के अलावा अदर लैंग्वेजेस को सीखने के लिए बहुत से बैरियर फेस करने पड़ते हैं। और फिल्म में कीर्ति के साथ रविंद्र विजय के साथ कई एक्टर्स नजर आने वाले हैं। सरीपोधा सनीवरम 29 अगस्त 2024, ये एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें आपको मेन लीड में नानी यानी कि सूर्या नजर आने वाले। सूर्या की 31वीं फिल्म है। फिल्म एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी। सूर्या के साथ फिल्म में प्रियंका मोहन, एसजे सूर्या, अदिति बलान समेत कई एक्टर्स नजर आएंगे। वहीं अगर बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो उसमें भी फिल्मों की झमाझम बारिश होने वाली है, क्योंकि इस महीने 1-2 नहीं बल्कि 5-5 फिल्में रिलीज होने वाली है, जिसमें शामिल है आपकी सबसे फेवरेट स्त्री 2, वेदा, खेल खेल में, उलझ और औरों में कहां दम था। जहां स्त्री 2 जैसी फिल्मों में अनलिमिटेड हॉरर के साथ फन और ड्रामा देखने को मिलने वाला है, वहीं फिल्म वेदा में भरपूर एक्शन ड्रामा देखने को मिलेगा। वहीं अगर फिल्म खेल खेल में की बात करें तो इसमें भी आपको भरपूर ड्रामा और फन मिलने वाला। अब साथ ही जानवी कपूर की फिल्म उलझ रास्ते में ही पड़ रही है, जिसमें जानवी कपूर मेन लीड में नजर आएंगी। फिल्म की कहानी थ्रिलिंग बेस्ड है जिसमें एक्शन, मिस्ट्री और थ्रिलर है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि अगस्त रहने वाला है द फिल्मी अगस्त। अब आप हमें कमेंट करके बताइए आपको कौन सी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कंटेंट के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।